नमस्कार, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के जो पी नाम वाले जातक हैं, जैसे किन्हीं का नाम पंकज होगा, किन्हीं का नाम पुरुषोत्तम होगा, तो जो पी नाम वाले जातक हैं उनके लिए 2023 कैसा रहेगा, 2023 में इनके जीवन में क्या क्या होने वाला है। सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा। वीडियो के लास्ट में आपके आने वाले वर्ष का एक अनोखा टोटका है, तो आप वो भी सुने और आजमाएं। आपका आने वाला वर्ष बेहतर हो जाएगा और कहीं कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करेंगे हर एक महीने के बारे में अलग अलग। शुरुआत करते हैं जनवरी के महीने से। मित्रों, जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार रहेगा। इस महीने के दौरान आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत होंगे। आप जो भी काम करते होंगे उस काम के माध्यम से आपकी तरक्की बहुत ज़्यादा होगी। आपके कामकाज में आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन जनवरी के महीने में आपका जो खर्चा होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपने किसी भी इंसान से कर्ज लिया था तो कर्जा को चुकाने का मौका भी आपको मिलेगा और अपने कर्जे को आपको चुकाना होगा। मित्रों, इस महीने के दौरान आपको अपने फिजूल खर्ची पे, जो आपका फालतू का खर्च है, तो अपने फिजूल खर्ची पर आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और अपने फिजूल खर्ची पर अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो परेशानी का सामना आपको बहुत करना होगा। मित्रों, अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो सेहत के दृष्टिकोण से जनवरी के महीने में आपको परेशानी का सामना करना होगा। इस महीने के दौरान आपको तनाव का सामना बहुत करना होगा और तनाव के कारण आपका स्वास्थ्य आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देगा। मित्रों, इस महीने के दौरान आपको अपने रहन सहन और अपने खान पान के प्रति भी बहुत सावधान होना होगा। क्योंकि अगर अपने खान पान में आप लापरवाही करते हैं तो आने वाले वर्ष में आपको परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा करना होगा। इसके बाद है फरवरी। तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप में से जो भी लोग व्यापारी हैं तो व्यापार के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत उन्नति करने वाला है। कामकाज के माध्यम से आपके पास आमदनी का स्रोत बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप में से जो भी लोग आने वाले वर्ष में नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, काम को शुरू करने के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इस महीने में पढ़ाई लिखाई में भी आपका मन बहुत लगेगा और शिक्षा के क्षेत्र में आपकी एकाग्रता बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। इस महीने में अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन, ये दोनों आपके लिए बहुत बेहतर होगा और संतान पक्ष भी आपके लिए ठीक रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में बदलाव की संभावना बहुत ज़्यादा है और आप में से जो भी लोग आने वाले वर्ष में नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, तो फरवरी का महीना इस काम को करने के लिए आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मित्रों, इसके बाद है मार्च का महीना। तो मार्च का महीना आपके सेहत के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब रहेगा। इस महीने में आपको अपने रहन सहन और अपने खान पान के ऊपर में बहुत ध्यान देना होगा। आप में से जो भी लोग नशापान करते हों, धूम्रपान करते हों, शराब का सेवन करते हों, तो आने वाले वर्ष में इन चीज़ों को आपको छोड़ना होगा और खासकर मार्च के महीने में इन चीज़ों को आपको हर हाल में छोड़ना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब होगा और परेशानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं अप्रैल के महीने से लेकर जून के महीने के बीच के बारे में। तो इस अवधि में आपको उतार चढ़ाव का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मानसिक तनाव का सामना भी आपको करना पड़ेगा, तो किसी भी काम को करने में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद है जुलाई के महीने से लेकर सितंबर के महीने के बीच के बारे में। इस अवधि में आपकी आमदनी बढ़ेगी लेकिन आपका जो खर्च है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका खर्चा आपको बहुत परेशान करने वाला है। इसके बाद है अक्टूबर का महीना। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस महीने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। अगर आप किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो नए काम को शुरू करने में आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद है नवंबर। नवंबर के महीने में आपके लिए यात्रा का योग बन रहा है। हो सकता है तो किसी इंसान के साथ में आपको बाहर घूमने का मौका अवश्य मिलेगा। मित्रों, इसके बाद है वर्ष का अंतिम महीना यानी कि दिसंबर का महीना। दिसंबर का महीना आपके पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। इस महीने में आपके घर परिवार के मामलों में आपको परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा करना होगा।
तो यही था आपके आने वाले वर्ष का राशिफल। अब जानते हैं आपके उपाय के बारे में। मित्रों, उपाय बहुत ज़्यादा सामान्य है। आपको प्रत्येक दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी है और अपने पूजा पाठ से भगवान विष्णु को खुश करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले वर्ष में आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी और आपका आने वाला वर्ष बेहतर और शानदार हो जाएगा। मित्रों, अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी सहायता अवश्य की जाएगी। वैसे मुझे उम्मीद है सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी और अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, साथ में चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में जय महादेव आप कमेंट कर दें। तो हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।